स्वागत है अल्टीमेट टेक्निकल सॉल्यूशन का एक और नए वीडियो में। ये जो कार्ड आप देख रहे हैं, इसमें एक ट्रैक जो है कोने का डैमेज हो चुका है, और इसको किस तरह से रिपेयर किया है, स्टेप बाय स्टेप कहाँ से कनेक्शन बनाना है, पूरा डिटेल इस वीडियो में है। देखिए ये वाला ट्रैक, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्ड को रेगुलर बेसिस पे एक बार चेक करेंगे, उसका बाद कैसे काम करना है आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ग्राफिक कार्ड रिपेयर कराना है तो नीचे दिए गए संपर्क नंबर पे हमें संपर्क कीजिए और व्हाट्सएप कीजिए या फिर कॉल कीजिए, हम लोग ऑलवेज अवेलेबल है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हमने जो इसका ट्रैक टूट गया है वो एरिया को जो है थोड़ा सा ट्वीज़र की मदद से या नुकीले चीज़ की मदद से अच्छे से घिस के साफ़ करेंगे। तो इसको साफ़ करने का बाद जो है मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूँगा आप लोगों को। देखिए ये जो जगह है, हमने इसका ऊपर जितना भी कार्बन था या रास्टिंग था उसको सबसे पहले साफ़ किया। साफ़ करके जो है बहुत ही आसान तरीक़ों से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। आप चाहे तो नॉर्मली घर पे भी ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, ट्रैक आप समझ नहीं पा रहे कहाँ से कौन सा पार्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लाइन कौन सा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम लोगों को भिजवा दीजिए। हम लोग जो है बहुत ही कम खर्चे में इस तरह का काम को कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने ट्रैक को जो है अच्छे से क्लीन किया, और इसमें जो है सोल्डरिंग करने से पहले मैं एक बार चेक कर लूँगा कि कहाँ से कंटिन्यूटी आता है। देखिए मेरे को हर एक कार्ड का स्केमेट्रिक जितना भी मालूम है उस हिसाब से मुझे पता है कि ये जो रजिस्टर है ये पावर रजिस्टर है 0 ओम्स का। तो यहाँ से लास्ट का जो ट्रैक है वो आता है, तो इसको हमें वहाँ से यहाँ तक ट्रैक को पास कराना है और हमें सोल्डर करके एक ट्रैक बनाना है। तो पूरा वीडियो को देखिए, आप लोग बड़े आराम से समझ जाएंगे किस तरह से होता है। और ग्राफिक कार्ड रिपेयर कराना है तो हमसे संपर्क कीजिए, हम लोग ऑल ओवर इंडिया में ग्राफिक कार्ड का ही रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं। मेरा चैनल पर देखिए बहुत वीडियो पड़ा हुआ है, बहुत सारा लोगों ने मेरे से काम कराया है। तो देखिए हमने इसमें सोल्डरिंग पेस्ट से और सोल्डरिंग वायर से थोड़ा सा जो है एक पतला सा पट्टी जैसा बनाएंगे, जैसे बाकी कॉपर का पिन रहता है उसी तरह से। और सोल्डरिंग करने से पहले सोल्डरिंग का जो टिप है उसको एकदम साफ़ सुथरा कर लीजिएगा, ताकि उसमें कार्बन वगैरह ना रहे, क्योंकि बार बार आपको यहाँ पे काम करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और इस कार्ड में जो है थोड़ा सा आसानी है, क्योंकि इसमें डबल जो है लेयर है, तो नीचे वाला लेयर जो है वो निकल गया है, ऊपर वाला लेयर टूट चुका है। जिस कार्ड में लेयर नहीं रहेगा, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट से, बहुत जल्दी बना दूंगा। मेरे पास उसका रॉ फुटेज लिया हुआ है, बस उसको एडिट करके आप लोगों के लिए तैयार करना है, तो वो भी मैं डाल दूंगा चैनल पे। देखिए हमने इसमें जो है एक ट्रैक जस्ट बना दिया। मैं कैमरा को थोड़ा सा पास में ले कर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमने जो है सोल्डरिंग की मदद से एक रफली एक ट्रैक बनाया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इसका बाद जो है हम इसमें सर्किट को पास करेंगे। सर्किट को पास करके जो है इसमें जो ट्रैक टूटा हुआ है वहाँ पे जो पावर आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसका डिस्ट्रीब्यूट करने का बाद जो है हम लोग इसको रेडी करेंगे। तो ये देखिए हमने जो ट्रैक बनाया था उसको बिल्कुल फ्लैट बनाना है, ताकि आपका जो कनेक्टर है कनेक्टर में फंसने में कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए ट्रैक एकदम क्लियर मैंने बना दिया है। और इसका काम करते वक्त एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, आसपास में जो है बहुत सारा छोटे छोटे पॉइंट्स बना हुआ है, जो कि आपका मदरबोर्ड में ऐड होता है, जो जितने भी गोल्डन आप देख रहे हैं यहाँ पे टिप, तो वो एरिया आपको ध्यान में रखना है कि किसी के साथ किसी का जो है टच ना हो जाए, क्योंकि इस तरह से आपका पूरा कार्ड जो है ख़राब हो जाएगा। देखिए मैंने जो है इसको बनाने के बाद साइड से थोड़ा सा घिस दूँगा, ताकि इसका साइड वाला पिन्स का साथ ये वाला पिन जो है टच ना हो जाए। तो उसका बाद हमने इसको अच्छे से क्लीन किया, क्लीन करके एक फ्लैट जस्ट बनाया। आप लोगों का सामने ही मैं बना रहा हूँ, मैं इस तरह का काम जो है खुद से नहीं करता हूँ, मेरा दूसरा टेक्नीशियन वगैरह है वो लोग करते हैं, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मैं जो है इसको कर रहा हूँ। देखिए मैंने उसमें दोबारा पेस्ट डाल के जो है जितना भी साइड्स का पिन है उसको भी क्लीन कर लूँगा। देखिए अब इसका जो साइड वाला पिन है वो भी बिल्कुल क्लियर हो चुका है, और जूम करके मैं अगर दिखा पाऊँगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखा दूँगा। तो इसका बाद जो है मैं यहाँ पे मीटर को कंटिन्यूटी पे रख के मैं चेक किया कि रेजिस्टेंस से जो है उस पिन पे लास्ट वाला पिन पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं। तो मेरा इस केस में सप्लाई नहीं आ रहा है, तो मैं जंपर क्रिएट करूँगा जंपर वायर का मदद से। तो अगर आपको पता है कि कौन सा पिन से क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम लोग के पास ऑल ओवर कार्ड का स्केमेट्रिक बायोस मदरबोर्ड का बायोस ये सब अवेलेबल है, बहुत ही कम रेट में हम लोग दे देते हैं। व्हाट्सएप में संपर्क कीजिए तो आपको मिल जाएगा।
और व्हाट्सएप में मैंने एक टाइमिंग लग रहा है मुझे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि लोग रात का 1-1.5 बजे मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि भाई मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा है, मेरा बोर्ड ख़राब है। इस तरह से मत कीजिए, एक ऑफिशियल टाइमिंग मेंटेन कीजिए। हम फ़ोन पकड़ते हैं इसका मतलब नहीं है कि मेरा कोई काम धंधा है नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं जितना भी हो सके कोशिश करता हूँ कि फ़ोन अटेंड करूँ या व्हाट्सएप में रिप्लाई कर दूँ। तो देखिए, हमने जो है सोल्डरिंग का मदद से जो है जंपर वायर को एक बार अच्छे से क्लीन कर लेंगे। बहुत ही पतला वायर का इस्तेमाल कीजिए जब भी जंपर क्रिएट कीजिए, और ऊपर से नीचे तक एक जंपर लगा दीजिए। जंपर लगाने का बाद जो है कहानी ख़त्म हो जाएगा, यहीं पे आपका कार्ड में जो है सक्सेसफुली डिस्प्ले आ जाएगा। देखिए, नीचे का तरफ मैंने सोल्डर किया और ऊपर का तरफ भी मैं सोल्डर कर दूंगा ताकि ट्रैक जो है वो बन जाए। बस इतना ही काम इसमें करना है, बाकी कार्ड में कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने जो है इसको करने का बाद डिस्प्ले चेक कर लिया हूँ। तो यहाँ का एरिया जो है मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि ये सोल्डरिंग का प्रोसेस है, इसमें लगभग 5-10 मिनट लग ही जाता है अच्छे से सोल्डरिंग करने में। तो मैं ये एरिया को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो सोल्डरिंग का जो प्रोसेस है यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, देख ही सकते हैं। लास्ट में मैंने इसको अच्छे से जोड़ दिया, सोल्डरिंग जो है कंप्लीट किया मैंने। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा में जो सोल्डर है उसको हटा लूँगा, क्योंकि इसको फ्लैट भी रखना है। इतना नहीं सोल्डर डाल दीजिए कि मदरबोर्ड में घुसने में दिक्कत हो। तो मैं एक बार पास से दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, सोल्डर मैंने किया है रेजिस्टेंस से लेते हुए लास्ट पिन पे। हर एक पिन जो है ऊपर से सप्लाई आता है, बहुत ही पतला वायर है जंपर का। और इसका बाद जो है मैं इस जगह को क्लीन कर दूंगा, क्लीन करके जो है इसको यूवी ग्लू या फिर सिलिकॉन पेस्ट से ढक दूंगा। तो देखिए, कंटिन्यूटी मीटर पे मेरा बराबर आ रहा है, मैंने देख लिया है। और इसका बाद जो है मैं इसको अच्छे से इसको साफ़ करूंगा। साफ़ करने का बाद जो है इसको ग्लू से ढक दूंगा। ग्लू से ढकना ज़रूरी है, क्योंकि सोल्डरिंग का वायर जो है बहुत ज़्यादा पतला है। और इस जगह पर आपको फेविक्विक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने फेविक्विक का इस्तेमाल किया तो ये क्या होगा, बाद में जाके जब आपको इसी किसी कारणवश या फिर कोई दिक्कत की वजह से आपको दोबारा ये प्रोसेस करना है या फिर दूसरा कुछ काम करना है तो उसमें दिक्कत आ जाएगा और आप उसको मेल्ट नहीं करा पाएंगे। मैंने अच्छे से इसको रेडी किया है। और देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा जो उठा हुआ था मैंने उसको भी सेट कर दिया। ये टोटली आँखों का अंदाज से काम होता है, अपना हाथ का सफाई से काम होता है। तो मैं जो है एक बार तार को साइड कर देता हूँ, अच्छे से एक बार चेक कर लेता हूँ कि कोई लूज़ कनेक्शन वगैरह है कि नहीं और कहीं पे उठा हुआ तो नहीं है। तो टोटली जो है टाइम लगता है इस तरह काम में 30 मिनट से 40 मिनट। तो पॉसिबल तो नहीं है ना कि पूरा 40 मिनट का वीडियो मैं आप लोगों के लिए डाल पाऊँ। और लाइव क्लासेस के बारे में बहुत जन मुझे कमेंट में पूछा है कि लाइव क्लासेस कब से आ रहा है। तो देखिए, क्लासेस कराने का मुझे अभी तो टाइम है नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मेरा टीम अगर उतना बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों का साथ जो है स्केमेट्रिक देके डिस्कस करने का, तो वो बात का बात है। मैंने इसका बारे में अभी तक कुछ सोचा नहीं है। तो देखिए, पूरा हो जाने का बाद जो है मुझे एक बार इसको जो है अच्छे से चेक करना है, चेक करके वॉश करना है। सोल्डरिंग का प्रोसेस कंप्लीट करने का बाद ये सोल्डरिंग का फाइनल लुक है। इसको मैं आईपी थिनर लिक्विड से अच्छे से साफ़ कर दूंगा। देखिए, पिन एकदम सपाट है, आसपास का पिन भी पूरा क्लियर है और बिल्कुल अच्छे से इसको काम किया हुआ है। तो इतना सफाई से हमने इसको बनाया है ट्रैक, इसको जब हम ढक देंगे तो समझ नहीं आएगा कि यहाँ पर कुछ है कि नहीं। तो मैं कार्ड को अच्छे से एक बार साफ़ कर लूँगा, साफ़ करके जो है इसमें ग्लू डालूंगा अल्कोहल सूखने का बाद। ये आईपी अल्कोहल है तो एकदम जो है मस्त तरीके से सूखने का बाद जो है मैं डालूंगा। और मैं सफाई अच्छे से कर रहा हूं, क्योंकि कभी बार क्या होता है साइड्स का 2 पिन जॉइंट हो जाता है। तो देखिए, यहां पे जो है मैं डाल दूंगा, और साइड वाइड जहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा गंदगी है मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा साफ़ कर दिया। ये सब आपको बेसिकली करना चाहिए डे टू डे टाइम में, हर 6 महीने में। इसको जो है फटाफट ग्लू से सील करते हैं। ये मैंने जो है इसमें सिलिकॉन का ही ग्लू इस्तेमाल करूँगा, अच्छा क्वालिटी का इस्तेमाल करूँगा ताकि कनेक्टिविटी का कोई इशू ना हो। देखिए, यहाँ पे एक और बार मैं चेक करा देता हूँ, कनेक्टिविटी बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर रखा और कहीं पर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है आसपास का पिनों का साथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लास्ट को मैंने जॉइंट किया है रेजिस्टेंस से, तो आसपास का पिन जो है वो अलग कनेक्शन बनाता है। इस केस में आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि ट्रैक किस तरह से बनाया जाए और क्या कुछ किया जाए। हम लोग जितना भी हो सके सफाई का साथ काम करते हैं,
और काम करने का बाद जो है आप लोगों को तो रिज़ल्ट मिलता ही होगा यूट्यूब पे, और फेसबुक पे भी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा डाल दूँगा। तो मेरे पास अभी इंटायर टीम भी नहीं है जो मेरा काम कर सके। चलो तो सारा कुछ सही है, मैंने एक बार अपने हिसाब से लास्ट में वेरीफाई कर लिया साफ़ करने का बाद। अब मैं इसको सील कर दूँगा, और सील करने का बाद जो है कार्ड को लगा के आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्ड जो है अभी भी 1-1.5 साल चल ही जाएगा। देखिए यूवी ग्लू अगर आपके पास ना हो तो आप ये ग्लू जो है इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मोबाइल दुकान में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिस्प्ले को चिपकाने के लिए, लेकिन मैं इसको ट्रैक बनाने के लिए यूज़ करता हूँ, तो ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत जल्दी सूख भी जाता है। बस इतना सा डालना है, पिंस पे नहीं डालना है, बस आपको वायर के हिसाब से डालना है। और डालने का बाद जो है इसको सुखा लेना है, सुखाने के बाद आप इजीली जो है ये कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। बाद में अगर कोई भी ट्रैक का रिलेटेड दिक्कत है तो आप इस ग्लू को आराम से निकाल के दोबारा जो है कोई भी काम कर सकते हैं। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत।